दोस्तों महाभारत का एक ऐसा युद्ध है जिसने कौरवों की तरफ से युद्ध करके पांडवों को विजय बना दिया था। दोस्तों आपके अनुसार ऐसा कौन सा युद्ध हो सकता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों महाभारत में एक ऐसे युद्ध का भी वर्णन है जिसे युद्ध में कौरवों का साथ दिया था लेकिन पांडवों की विजय में उसका बड़ा योगदान था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा शल्य की। शल्य रघुवंशी कुल के राजा थे जो पांडवों के मामा थे और कौरव भी उसे मामा कहकर ही बुलाते थे। शल्य के पास शक्तिशाली और विशाल सेना थी और पांडवों को ऐसा लगता था कि युद्ध में मामा शल्य उसका भी साथ देंगे। दोस्तों युद्ध के रणनीति निर्धारित करने के लिए शल्य ने हस्तिनापुर की ओर से प्रस्थान किया और रास्ते में ठहरने और भोजन की इच्छा व्यवस्था की गई थी। शल्य को लगा कि समस्त व्यवस्था युधिष्ठिर ने कराई है और वे मन ही मन युधिष्ठिर की प्रशंसा करते रहे। मार्ग में वे इस सभी व्यवस्थाओं का आनंद लेने लगे और उन्होंने पुरस्कृत करने के लिए व्यवस्थापक को बुलाया। जब शल्य ने व्यवस्थापक को देखा तो वह हैरान रह गए क्योंकि वह युधिष्ठिर नहीं बल्कि दुर्योधन था। शल्य दुर्योधन की व्यवस्था से प्रसन्न थे इसलिए उन्होंने दुर्योधन से कुछ मांगने को कहा। दुर्योधन इसी घड़ी की प्रतीक्षा में था और उसने बिना देर किए राजा शल्य को अपनी ओर युद्ध करने का आग्रह किया। दुर्योधन द्वारा रखी गई शर्त के बाद शल्य बड़े असमंजस की स्थिति में पड़ गए और शल्य ने कहा, युद्ध में तो कौरवों की तरफ से लड़ूंगा लेकिन मेरी वाणी पर मेरा बस होगा। दुर्योधन ने इस पर सहमति जताई और युद्ध में राजा शल्य के कर्ण के साथी के रूप में कमान संभाली और अपनी वाणी की कर्ण का मनोबल गिराते रहे। अंत में कर्ण का मनोबल इतना कमजोर हो गया कि उसे युद्ध में वीरगति प्राप्त हो गई और पांडवों के विजय में इस घटना की महत्वपूर्ण भूमिका थी इस महान योद्धा की। दोस्तों क्या पहले भी आप इस योद्धा को जानते थे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।